आप सबने सुना होगा कि ब्रह्मा जी ने एक पुत्री प्रकट हुई ब्रह्मा जी को, पर ब्रह्मा जी का मन जो है वो विचलित हो गया उसके आने से, और ब्रह्मा जी उसकी तरफ आकर्षित हो गए। ये है इंद्रियों का जो कहा जा रहा है, इंद्रियां जो है वो पागल है। सेंसेस कैन बिकम मैड एनी टाइम, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद आवर सेंसेस। यहाँ तक कि भगवान ने गीता में अनेक श्लोक कहे कि जहाँ इंद्रियां हैं इंद्रियों को कैसे वश में करना है। इंद्रियों का जो कंट्रोलर है वो माइंड है, इंद्रियों का डायरेक्टर माइंड है। सो मन को कैसे वश में करना है, मन वश में आएगा तो इंद्रियां वश में आएंगी। उपट में प्रभुपाद लिखते हैं, बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वांसम अपि करिष्यति। भागवतम के 9वें कैंटो का श्लोक यहाँ पर उद्धृत करते हैं कि इंद्रियां बड़ी बलवान है, इंद्रियों को कभी कमजोर मत समझना, इंद्रियां बहुत बलवान है, इंद्रियां हमसे कुछ भी करा सकती हैं। सेंसेस कैन मेक अस मैड। इट इज सेड दैट सेंसेस आर सो मैड एंड स्ट्रॉन्ग दैट दे कैन बिविल्डर इवन द मोस्ट सेंसिबल एंड लर्नड मैन। इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं, वो बहुत ही एजुकेटेड बहुत ही बलवान पुरुष जिसके अंदर बहुत बल है उसको भी वो पागल कर सकती हैं। तो जो सेक्सुअल सेंसुअस अर्ज है, जो काम की इच्छा है, ये बड़ी प्रबल होती है। तो इस इच्छा के कारण यहाँ पर भागवतम कहती है कि एक पुरुष को अपनी माता के साथ भी अकेले वास नहीं करना चाहिए, अपनी बहन के साथ या अपनी डॉटर के साथ। अकबर और बीरबल की चर्चा हो रही है तो बीरबल कहता है कि व्यक्ति पुरुष जो है वो कितना भी बूढ़ा हो जाए उसकी काम वासना की इच्छा नहीं जाती है। तो अकबर मान नहीं रहा था कि बुढ़ापे में भी ऐसा कैसे हो सकता है। तो बीरबल ने अकबर से कहा कि हम एक व्यक्ति बहुत ही बीमार है, बुजुर्ग है, कल उसको हम मिलने चलेंगे। वो कहने लगा कि हम उसको, आप अपनी पुत्री को साथ लाइएगा, आप अपनी पुत्री को साथ लेकर चलिएगा, हम उसे मिलने जाएंगे। तो वहाँ पर जब वो दोनों पहुँचे हैं तो जो बीरबल है और राजा अकबर है साथ में और उसकी पुत्री है साथ, वो वहाँ पहुँचे हैं। तो वहाँ पर जब जो बुजुर्ग व्यक्ति बीमार है वो उनकी ओर देखता है, जो राजा की ओर देखता है एक नज़र सिर्फ, पर फिर वो अपनी नजरें जो है राजा की पुत्री की ओर कर लेता है और राजा की पुत्री जो है उसकी ओर एक टक नज़र से देखता रहता है। अब बीरबल राजा को इशारा करता है और वो दोनों वो स्थान छोड़ देते हैं। तो जब वो स्थान छोड़ते हैं तो बीरबल बाहर आकर कहता है, आपने देखा वो बुजुर्ग व्यक्ति बीमार है तब भी उसकी आंखें जो है वो आप पर नहीं टिकी हैं, उसकी आंखें टिकी हैं तो केवल आपकी पुत्री के ऊपर। सो काम की इच्छा जो है वो त्यागी नहीं जाती है चाहे बुढ़ापा भी आ जाए। दैट वॉज प्रूव्ड इन दिस इंसिडेंट एंड इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। यस दिस डज हैपन, इंद्रियां जो है काम वासना की इच्छा को नहीं त्याग पाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद, लिखते हैं पर्पट में, द ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल एंड हिज अनरिस्ट्रिक्टेड मिक्सिंग विद फेयर सेक्स लीड्स टू डाउनफॉल। अनरिस्ट्रिक्टेड, जहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड इंटरैक्शंस होते हैं, जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, वहां पर फॉल डाउन निश्चित है। द फ्रीली मिक्सिंग व्हेन हैपेंस देयर इज गोइंग टू बी अ चांस ऑफ फॉल डाउन बिकॉज़ इंद्रियां वश में नहीं रहती हैं। इंद्रियां हमसे वो कार्य कराती हैं जो हमारे लिए ही हानिकारक होगा। मटेरियल बॉन्डेज इज ड्यू ओनली टू सेक्सुअल बॉन्डेज। जो मटेरियल बॉन्डेज है, जो हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं, बिकॉज इट इज द रीजन इज द सेक्सुअल बॉन्डेज। बिकॉज व्यक्ति जो है वो इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता है। गृहस्थ जीवन में लाइसेंस मिला है काम वासना का, पर वो क्या मिला है, विद रूल्स एंड रेगुलेशन, विद संयम, विद कंट्रोल। तो इसीलिए कहा जा रहा है, अनरिस्ट्रिक्टेड एसोसिएशन ऑफ मैन एंड वुमेन इज श्योरली अ ग्रेट इम्पेडिमेंट। मैत्रेय साइटेड दिस एग्जाम्पल ऑन द पार्ट ऑफ ब्रह्मा जस्ट टू ब्रिंग टू आवर नोटिस दिस ग्रेट डेंजर। ये ब्रह्मा जी हमारे लिए लाए हैं ये इस ग्रेट डेंजर से हमें बचाने के लिए कि हमें अपनी इंद्रियों को वश में कैसे करना है। भगवान गीता में कहते हैं विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, दूसरे अध्याय में ही कहते हैं, though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense enjoyment remains. आप अपनी इंद्रियों को sense enjoyment से restrict कर सकते हो, पर वो taste नहीं छोड़ती हैं। क्यों नहीं छोड़ती हैं वो taste? उनको वो आदत पड़ी है, कई जन्मों से आदत है। आप पशु योनि में देखिए कि खुली छूट है,
काम वासना की इच्छा आप पक्षियों में, पशुओं में, सब जीवों में देखिए, तो काम की इच्छा जो है उनकी जो भोग करने की इच्छा, संभोग की जो इच्छा है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जब मनुष्य भी ऐसी ही इंद्रियों के वश में रहता है तो वो पशु के समान हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं वो इच्छा नहीं जाती है, तो कह रहे हैं रसावर्जम रसोपस्य परम दृष्टवा निर्वर्तन्ते निर्वर्तते। सो परम दृष्टवा, जब वो एक्सपीरियंस करता है हायर टेस्ट, लोअर टेस्ट छूट जाता है। जब वो एक्सपीरियंस करता है हायर टेस्ट, हायर टेस्ट करते हैं जब वो भगवान से जुड़ता है, जब वो भगवान के बारे में सुनता है, भगवान के बारे में बोलता है, भगवान का प्रसाद खाता है, भोग लगाकर भगवान को वही वो प्रसाद खाता है। सो देन व्हाट हैपेंस, उसका हायर टेस्ट लगता है और लोअर टेस्ट छूट जाता है। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, विश्याविनी वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपस्यम रसोपस्या परम दृष्टवा निर्वर्तते। परम दृष्टवा, परम भगवान से जब जुड़ जाता है तो लोअर टेस्ट हाथ से छूट जाता है।